प्रॉब्लम है टू प्लेन मिरर ए एंड बी आर अलाइंड पैरेलल टू इच अदर एज शोन इन द फिगर लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री एट द पॉइंट जस्ट इन वन एंड ऑफ ए द प्लेन ऑफ इंसिडेंट क्वानसाइड्स विद द प्लेन ऑफ फिगर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडर गो रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बिफोर इट एमरज आउट ओके कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो ये यह यहाँ पर ये यह एंगल थर्टी डिग्री है तो ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये एंगल भी आपका क्या होगा थर्टी डिग्री होगा ठीक है अच्छा ये एंगल थर्टी डिग्री होगा ये हमें दिया है ज़ीरो पॉइंट टू ओके तो ये हॉर्जेंटल लेंथ है आपका ज़ीरो पॉइंट टू हॉर्जेंटल लेंथ नहीं सॉरी ये वर्टिकल वर्टिकल हाइट है ये हमारी ज़ीरो पॉइंट टू अच्छा यहाँ से ये यह रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इट विल मूव लाइक दिस अच्छा ये एंगल थर्टी है तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होगा थर्टी होगा तो मुझे यहाँ पर बेसिकली अगर मैं देखूँ और टेन थर्टी डिग्री में फाइंड आउट करूँ तो टेन थर्टी डिग्री ये होगा हमारा अपोजिट साइड ये एक्स जो अनोन है दैट डिवाइड बाई यहाँ पर ये ज़ीरो पॉइंट टू जो लेंथ है सो देर फोर एक्स की वैल्यू हो गई हमारी ज़ीरो पॉइंट टू इन टेन थर्टी विच इज़ वन अपॉन रूट थ्री अच्छा तो एक ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ तो इसमें इतना डिस्टेंस कवर हुआ ये सेकेंड रिफ़्लेक्शन हुआ इसमें भी सेम डिफरेंस डिस्टेंस कवर होगा तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो है टू रूट थ्री इसे हम डिवाइड कर देंगे ज़ीरो पॉइंट टू डिवाइड बाई रूट थ्री तो ये अगर आपने डिवाइड किया तो ये आप पाएंगे कि ये टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री डिवाइड बाई आपका ज़ीरो पॉइंट टू सो रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये हो गया थ्री थ्री टू डाई हो गया सिक्स सिक्स डिवाइड बाई ज़ीरो पॉइंट टू तो ये हो गया आपका टू थ्री ज़ार तो ये हो गया आपका थर्टी अच्छा तो यहाँ पर ये इस तरह से रिफ्लेक्शन होते 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 थर्टी रिफ्लेक्शन होंगे फिर वो बाहर चली जाएगी तो ये आंसर थर्टी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा